विधायक मामन खान के साथ मेवात विकास सभा खड़ी हुई है। बता दें कि मेवात के मामलों को बड़ी मजबूती के साथ कई दशकों से उठाती रही सामाजिक संस्था मेवात विकास सभा भी फिरोजपुर जिले का कांग्रेस विधायक मामन खान के साथ खड़ी हो चुकी है। मेवात विकास सभा के अध्यक्ष अख्तर हुसैन चंदनी, रमजान चौधरी एडवोकेट, दीन मोहम्मद मामलिका इत्यादि ने कहा है कि वे अपने विधायक की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए ही उन्होंने उन्हें विधानसभा चुनकर भेजा था। धमकियों से वह डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं गौरक्षक ही गौ तस्कर हैं और उनको सरकार व पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है। इसके लिए कोर्ट का रास्ता भी अख्तियार करना पड़ा तो उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं आपको बता दें कि विधायक मामर खान इच्छिया ने कहा है कि जो लोग आज उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वे ये देख लें कि मामन खान विधायक की छवि को इस तरह बदनाम नहीं किया जा सकता। विधायक मामन खान के खिलाफ आज तक कहीं भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और इस मामले से उनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मामन की आवाज़ दबने वाली नहीं है। गरीबों लोगों की आवाज़ उठाने में अगर जान भी जाए तो कोई परवाह नहीं, विधानसभा में भी आवाज़ उठाते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि मुस्लिम समाज के लोगों ने देश के लिए दी अपनी जान की कुर्बानी। बता दें कि विधायक मामन खान इंजीनियर ने कहा है कि जब भी देश को ज़रूरत पड़ी है देश के मुस्लिमों ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी है। यह देश भी जितना सभी समाज के लोगों का है उतना ही मुस्लिम समाज के लोगों का है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के साथ इस तरह का भेदभाव करना ठीक नहीं है। विधायक मामन खान ने कहा है कि जो लोग मेरी आवाज़ को दबाना चाहते हैं वे भूल जाएं। विधायक मामन खान अपनी आवाज़ को इसी तरह गलत लोगों के खिलाफ उठाते रहेंगे। देखिए, विधानसभा चुने हुए प्रतिनिधियों का एक गहवारा है और उसमें गलत या सही कोई आवाज उठती है तो उसकी आवाज पर एतराज विधानसभा में ही होता है। अगर वहां कुछ गलत हुआ होता तो वहां अध्यक्ष थे और वहां की गरिमा है, वहां के नियम है, रूल्स हैं। वहां कोई एतराज नहीं हुआ तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी बात वहां नहीं कही गई जो किसी रूल्स के और जो नियमों के दूसरी तरफ थी। दूसरी बात, जनप्रतिनिधि को चुना ही इसलिए जाता है कि वो आवाम की, जनता की, अपने हलके की, इलाके की, अपने प्रदेश की बात उठाए जो गलत बात है। और प्रधानमंत्री जी ने खुद ये बात कही है कि कुछ स्वयंसेवी गोरक्षक जो दिन में कुछ और चोला पहनते हैं और रात को कुछ और चोला पहनते हैं उनका डोजियर करने की सिफारिश की है कि पुलिस को कहा है कि इनका जरा डोजियर तैयार कीजिएगा। चौधरी मम्मन खान ने जो आवाज उठाई है उसी तरह के जो स्वयंसेवी गोरक्षक बने हुए हैं उनके खिलाफ आवाज उठाई है कि वो रातों को जिस तरह से मौत कारित करते हुए घूम रहे हैं, लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, घरों से उठा लेते हैं और उनको फिरौती मांगते हैं और तरह तरह की यातनाएं देते हैं, उनके खिलाफ ये आवाज उठाई थी। और आज उस आवाज को बदल कर जिस तरह से पेश किया जा रहा है और धमकियां दे रहे हैं गरुआ ब्रिगेड में कि भाई हम ये गोरक्षक हैं, ये फला हैं, ये ढिकड़ा हैं, हम उस समाज के ठेकेदार हैं, या फर्जी तरीके से किसी तरह से लांछन लगाकर जो विधायक की छवि को खराब करने की एक नाकाम कोशिश है, हम उसकी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और हम उनके साथ खड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने सच और हक की आवाज उठाई है। और किसी भी सूरत में चाहे नेशनल चैनल हो और चाहे ये तथाकथित धर्म के ठेकेदार हों या तथाकथित स्वयंसेवी जो गोरक्षक हैं वो कोई भी हो, कानून सम्मत अगर कोई काम नहीं करेगा और कानून के खिलाफ जाकर अपने हाथ में कानून लेकर काम करेगा तो हम उसके खिलाफ हैं और उसके लिए हम स्थानीय अदालतों का भी सहारा लेंगे, हाईकोर्ट जाना पड़ेगा करेंगे और तमाम जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनको इकट्ठा करके, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हो, सबको इकट्ठा करके इस नफरत की जो आंधी
वोट की राजनीति के लिए कर रखी है और सरकार का उसमें संरक्षण प्राप्त है, हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। और हम मोहब्बत वाले लोग हैं, चूंकि मेवात भाईचारे का, साझा संस्कृति का एक बड़ा गहवारा है, इसकी मिसाल दी जाती है। हम ना मेवात के भाईचारे को बिगड़ने देंगे, सद्भाव को बिगड़ने देंगे, ना हरियाणा के सद्भाव को बिगड़ने देंगे, और ना देश के माहौल को खराब होने देंगे। देखिए, समाज में सभी तरह के लोग हैं, ये बिल्कुल मैं नहीं मानता कि वो लोग नहीं खड़े होते। मानेसर में सतबीर सिंह कॉमरेड ने हजारों मजदूरों के सामने घाटमिका के प्रकरण को उठाया है, मजबूती से उठाया है। कॉमरेड इंद्रजीत रोहतक ने मजबूती से उठाया है। भादरा के विधायक बलवान सिंह पूनिया ने मजबूती से उठाया। और ऐसे सैकड़ों आवाजें नहीं है, हजारों आवाजें हैं जो गलत के खिलाफ गलत कहती हैं। मैं इस बात, ये ठीक है कि कुछ आज की हवा में कुछ ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा हो गई है जो नफरत फैलाने वाले हैं, लेकिन हिंदू समाज में और दूसरे समाजों में भी गलत को गलत कहने वाले लोग हैं, और उन्होंने जुनेद नासिर हत्याकांड की आवाज को मजबूत तरीके से उठाया है। और हम इस देश की, हमारे लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर ऐसे गलत तत्वों का, असामाजिक तत्वों का, अनासिरों का मिलकर मुकाबला करेंगे, तभी हमारे देश की मोहब्बत, हमारे देश का प्यार और हमारी संस्कृति बच पाएगी। हम बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में विधायक के साथ हैं मुकम्मल तौर से। कल भी हम घाटमिका गए थे, अशोक गहलोत जी से भी मिले थे, और नाइंसाफी अगर हमारे आदमियों के साथ होगी, हमारे विधायकों के साथ होगी, तो हम लामबंद होकर विकास सभा विधायक के साथ खड़ी रहेगी। बस इसकी बहुत सीधी सी बात है, ये जो कुछ हो रहा है एक राजनीतिक खेल हो रहा है, और एक शांतिपूर्ण इलाका जहां सदियों से जो भाईचारा रहा है उस भाईचारे को खराब करने की विशेष कोशिश की जा रही है। और राजनीतिक इसमें जो भी पुर्जे हैं वो राजनीतिक पुर्जों के हिसाब से चल रहा है सब कुछ, सारा खेल एक राजनीतिक खेल है, और ये शांतिपूर्ण क्षेत्र को किसी बदमनी में धकेलने का इरादा है सरकार का।